भाजपा के लिए बरेली का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कुछ और ही नया देखने को मिल रहा है। भाजपा इस बार अंदरूनी कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेरे साथ बातचीत कर लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एरन जी मौजूद है। सर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है इस बार आपके लिए? देखिए, चुनाव को जनता ने अपने हाथ ले लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि प्रवीण सिंह एरन अपने साथी और अपने भाई को, जो हर समय उनके बीच है, उनके साथ है, उसको सांसद बनाना है। और जब जनता मन बना लेती है तो फिर कोई मोदी जी, कोई उनकी ईवीएम की साजिश, कुछ भी नहीं चल पाता। 2009 में आपने संतोष गंगवार को हराया था, इस बार जो है कि भाजपा के अंदर बड़ी कलह है, आप तो देख ही रहे हैं, लोग रोडों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम तरह की ऐसी चीज आ रही है, उस पर लेकर आपका क्या रिएक्शन है? हमें रिएक्शन देने की क्या जरूरत है, वो पब्लिक देख ही रही है जिस तरह से उनका जो भी स्थिति है आपके सामने है। तो हमारा तो यही मानना है कि ये सब कहीं ना कहीं एक विधाता का वो है, और ईश्वर को भी यही मंजूर है कि इस बार इंडिया गठबंधन की, माननीय अखिलेश यादव जी की, और जो है हम सांसद बने, ये चीज़ है, और वही ऐसा लगता है वही नतीजा होगा, और 1 लाख से ज़्यादा से जीतेंगे। अच्छा, भाजपा ने कुर्मी वोटों का गठबंधन देख के प्रत्याशी बनाया था, अब कुर्मी के जो लोग हैं वो नाराज हैं और आपके संपर्क में हैं। कुर्मी समाज भी हमारे साथ पहले भी रहा है, अगर कुर्मी समाज नहीं रहता होता तो 2004 में हमको इतने वोट नहीं मिलते, 2009 में हम सांसद नहीं बनते, तो कुर्मी समाज तब भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। ये एक अलग बात है कि कुछ उधर ज़्यादा हो, कुछ इधर कम हो, तो हमारा ना ये सोचना है ना मानना है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुर्मी समाज है वो बड़ी संख्या में हमें वोट देने जा रहा है, और सर समाज जो प्रवीण सिंह एरन है वो सर समाज के प्रत्याशी है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, भाजपा के अंदरू कलह से आपको कितना फायदा मिल रहा है? मैं उस तरह से आकलन नहीं करता, मैं अपने काम, अपनी निष्ठा, अपनी सेवा के आधार पर और जनता में जो हमारी छवि है उसके हिसाब से काम करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि कोई हमें कोई शक नहीं इसके बारे में। अभी तक क्या होता, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते थे कि वो अपराधियों को शामिल करते हैं, अब संदेश कन्हौजिया समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, 21 मुकदमे हैं, जिस तरह की चर्चा है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? मैं इस मुकदमे वगैरह के विषय में मैं जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी कोई रिएक्शन देना ठीक नहीं है। एक सेकंड, तो देख सकते हो, ये है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह एरन, इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार उनके साथ कुर्मी समाज के लोग भी हैं और वो भारी मतों से इस बार विजयी बनेंगे। मनवीर सिंह, TV9, बरेली।